आज भाइयों मैं अपनी डोमिनार 400 को लेके आया हूँ ऑटो वंडरलैंड पर। थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफिकेशन का काम करवाने, मेरी पुरानी पीपीएफ जो है वो फट चुकी है और मैं पूरी बाइक पे लगवा भी नहीं पाया था, पर इस बार सोच रहा हूँ मैं पूरी बाइक पे लगवा लूँ। आप देख ही रहोगे फट चुकी है, और पीपीएफ के साथ साथ मैं सोच रहा हूँ इसमें थोड़ा बहुत कार्बन फाइबर का काम भी करा लूँ। इस बार मैंने यूट्यूब वीडियोज़ में देखा है कार्बन फाइबर लगा रखा है, काफ़ी कूल लगता है, तो मैं साइलेंसर पर सोच रहा हूँ कि यहाँ पर मैं कार्बन फाइबर लगाऊंगा। बाकी देखते हैं क्या मूड बनता है लगवाने के बाद, कैसा लगता है, लगवाता हूँ या नहीं लगवाता। और ये भाई की कुछ दुकान है बाहर से ऑटो वंडरलैंड के नाम से, मेरठ में दुकान पड़ती है भाई ये, अंदर से दुकान कुछ ऐसी लगती है, काफ़ी सारा सामान है भाई के पास। ठीक काम, बढ़िया काम करते हैं लड़के। अगर किसी भाई को अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल में काम कराना है तो भाई के पास आ सकते हैं, एक डिसेंट वेराइटी में काम करते हैं। ये थोड़ा आप सामान वगैरह देख रहे हैं, स्टिकरिंग वगैरह भी हैं, और ये लाइट देखिए, ये स्प्लेंडर की लाइट हैं, क्या सेक्सी लग रही है। इसमें एक हड्डी वाला लुक देखिए। तो भाई अब भाई हमारा पुरानी पीपीएफ को उतारने लग गया है, ये आप देख सकते हैं पुरानी पीपीएफ उतारी जा रही है। अब इसकी जगह उतारने के बाद नई पीपीएफ लगेगी। पहले मैंने जो डोमिनार की बैजिंग आप देख रहे हैं इस पे से कटिंग नहीं कराई थी, जिस वजह से ये फट गई। अब इस बार मैं जो नई पीपीएफ लगवाऊंगा वो जितनी भी बैजिंग है उसके आउटसाइड में मैं कटिंग कर पाऊंगा, ताकि मेरी पीपीएफ की लाइफ बढ़ जाए। बाकी थोड़ा मेहनत लगेगी इन्हें, क्योंकि पिछली बार जो काम हुआ था वो बढ़िया काम नहीं किया था उन लड़कों ने। इस बार देखते हैं कैसा काम करते हैं भाई ये, बाकी उम्मीद तो है मुझे बढ़िया काम करेंगे। आप देखिए काम आपके सामने चल ही रहा है। कपड़ा मारा करने के बाद भाई इसकी दोनों सीट उतारी जाएंगी, पिछली और अगली दोनों सीट उतारी जाएंगी। देख रहे हैं आप भाई उतार रहा है पिछली सीट, इसके बाद अगली सीट उतारी जाएगी, ताकि साइड में जो पीपीएफ का काम होना है वो आसानी से हो सके। और ये जो आप हल्की सी ब्लैक वाली डोमिनार 400 का जो साइड में है इसके ऊपर ब्लैक वाला स्पेस देख रहे हैं, इस पर भी मैं इस बार सोच रहा हूँ कार्बन फाइबर का थोड़ा सा काम कराऊंगा। ये जूम करके देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा लगता है, आपके सामने ही काम हो रहा है, देखते हैं बढ़िया। तो भाई ये सीट उतारने में लग रहे हुए हैं पूरी स्पीड से। सीट तो उतर चुकी है, अब सीट उतरने के बाद देखिए बाइक का लुक कैसा हो गया, बाइक कैसी लगती है अंदर से। काफ़ी आइटम, ये बैटरी वगैरह लगी हुई है, मैंने अपनी टूल किट वगैरह, अपने गाड़ी के पेपर सब इसी में, यहीं पे थोड़ा सा स्पेस मिला हुआ है वहीं पे रखे हुए हैं, आप सोकर देख रहे हैं। तो अंदर से बाइक कुछ ऐसी है, काफ़ी गंदी हो रही है मुझे पता है। भाई अब पीपीएफ ले आए हैं, अब मेरी गाड़ी पे ये नई पीपीएफ इंस्टॉल करने का समय आ गया है। तो भाई आपके सामने पीपीएफ इंस्टॉल हो रही है, इन्होंने कपड़ा गीला मार के टैंक को साइड में से साफ कर लिया है। तो ये 3 लेयर वाली पीपीएफ मैं लगवा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा फायदा रहता है भाई, और मोटरसाइकिल की थोड़ी सी शाइन भी बढ़ जाती है। अब देखते हैं लगने के बाद कैसी लगती है, आपको दिखाएंगे, बने रहिए वीडियो में। और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इससे भी बढ़िया वीडियो, इससे भी बढ़िया कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और ये देखिए भाई ने अभी इस पे पीपीएफ पे से इसकी जो एक वेस्टेज वाली पन्नी है वो हटाई है, इसके बाद इस पे चिपकाने के बाद इसके ऊपर एक और हल्की सी लेयर रहती है पन्नी की, वो भी हटाने के बाद जो शाइन आती है एकदम लाजवाब, देख के ये कहोगे कि हाँ बेहतरीन, एकदम खतरनाक वाला लुक आएगा, एकदम शाइनी शाइनी हो जाएगी मोटरसाइकिल। तो चलिए देखते हैं कैसा है। और ये अब साइड में पीपीएफ का काम कर रहे हैं भाई, टैंक पे इन्होंने लगा दिया, शायद कटिंग ये लास्ट में करेंगे, एक हफ्ते एक साथ सारी की कटिंग बाद में करेंगे। तो अभी इस साइड में पीपीएफ लगा के दूसरी साइड भी और टैंक पे लगी चुकी है, कटिंग शायद लास्ट में करेंगे, आप देख ही रहे हैं। और इनकी पेस्टिंग में भाई पीपीएफ की या कोई भी चीज़ आप रैपिंग करवा रहे हो, चाहे लेमिनेशन चढ़वा रहे हो, चाहे पीपीएफ चढ़वा रहे हो, इनकी पेस्टिंग में हीट गन का बहुत बड़ा यूज़ है भाई, बिना हीट गन के इनकी पकड़ बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई हीट गन का पूरा यूज़ करते हुए मेरी बाइक पे पीपीएफ लगा रहा है, और अब ये आगे मडगार्ड पे पहुंचनी है भाई हमारे, अब देखते हैं कैसे कैसे चलता है काम। लेमिनेशन का काम तो मेरा लगभग लगभग समाप्त हो चुका है, अब कटिंग शुरू होगी। तो भाई ने अपना ब्लेड ले लिया और कटिंग शुरू कर दी है, देखते हैं भाई का हाथ कैसा चलता है कटिंग में, आपको कटिंग के बाद ही पता चलेगा। तो ये इकट्ठी कटिंग एक साथ कर रहा है भाई ने, सारे पीपीएफ एक साथ लगा देने के बाद अब कटिंग शुरू की है। तो बनी रही वीडियो में, देखते रहिए कैसी कटिंग कर रहा है भाई।
तो भाई मैं जैसा बता रहा था कि इसमें एक थर्ड लेयर होती है जो पीपीएफ लगाने के बाद उतारी जाती है। अब देखिए इसमें भाई कटिंग करने के बाद आपको ऊपर वाली लेयर निकाल के दिखाएगा। ये देखो भाई ढूंढ रहे हो लेयर, ये देखो। अब इस लेयर को उतारने के बाद एक अलग ही शाइन आ जाती है, तो इसे इसीलिए इसे थ्री लेयर बोलते हैं कि एक लेयर तो उतरने के बाद ये चिपकती है, फिर चिपकने के बाद जो इसके ऊपर एक और लेयर होती है उसे उतारने के बाद जो शाइन आती है बाइक में वो एकदम कमाल लाजवाब रहती है। तो भाई अब हमारे टैंक पे भी साथ के साथ काम कर रहा है। मैंने इस बार सोचा है कि टैंक पे जो मेरा मेटल वाला फ्रेम है इस पे मैं ये पीपीएफ लगी रहने दूंगा साइड साइड से, ताकि मेरा जो स्क्रैचेस वगैरह से मेरा टैंक पे बच जाए। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ मैं वहां पे ना कटवाऊं, अपने टैंक पे जो मेरा मेटल वाला एरिया है उस पे मैं पीपीएफ लगी रहने दूं। तो भाई ये मेरी कटिंग कर रहा है अभी टैंक पे। तो कटिंग का काम तो लगभग मेरा भाई ओवर हो चुका है, ये लास्ट कटिंग चल रही है, इसके बाद मेरा कटिंग का काम कंप्लीट है। और ये कार्बन फाइबर का काम शुरू कर दिया बाइक ने, तो मैं यहीं आपको बता रहा था कि इस वाले एरिया को नीचे साइलेंस पे मुझे कार्बन फाइबर का काम कराना है। तो आप देख रहे हैं कार्बन फाइबर में क्या एक अलग ही लुक, एक अलग ही प्रीमियमनेस चमकती है। तो इसीलिए मैं भी सोच रहा था कि भाई अपनी बाइक पे कार्बन फाइबर जहाँ जहाँ एक नॉर्मल वे में यूज़ हो सकता है वहाँ पे लगवा लूँ। तो एक ये मुझे जगह बेस्ट लगी, एक नीचे साइलेंसर पे मुझे सही लगा कि वहाँ पे लगवा लेना चाहिए, तो वहाँ पे भी मैं नीचे लगवाऊंगा। आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे लगाया जा रहा है ये कार्बन फाइबर का एक पीस। तो भाई पीपीएफ का काम तो अब मेरा खत्म हो चुका है। अब मेरी सीट और पीछे का जो टॉप रैक है मेरा वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। इसके बाद जो मेरा एक काम बचेगा वो कार्बन फाइबर का बचेगा, नीचे साइलेंसर पे जो मुझे लगवाना है जो मस्ट है उसे मैं लगवाए बिना नहीं जाऊंगा। बाकी इसकी कटिंग साइड में से थोड़ी ये जो साइड फेंडर निकल रहे हैं साइड विंग्स निकल रहे हैं इसमें थोड़ी सी इसकी कटिंग रह रही है, ये कटिंग रह रही है। इसके बाद मुझे अपना थोड़ा सा छोटी मोटी स्टिकरिंग करानी है अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब के हैंडल का, एक छोटा सा लगवाना है स्टिकर और थोड़ा बहुत स्टिकरिंग का, वो भी लगवाने के बाद मिलते हैं आपको। तो भाई नीचे भी अब हमारा ये कार्बन फाइबर लगने का काम शुरू हो गया। आप देख ही रहे होंगे नीचे भाई ने कार्बन फाइबर लगा रहा है अपनी हीट गन का इस्तेमाल करते हुए। हमारे दोनों उस्ताद भाई एकदम बेहतरीन काम कर रहे हैं, आज तो इन्होंने मेरा दिल ही जीत लिया। बाकी भाई आने वाले समय में मेरा प्लान है अपना साइलेंसर अपग्रेड करवाने का, देखते हैं आने वाले समय में कौन सा लगवाते हैं, एक्रोफोबिक का या जिस भी जो भी कंपनी डिमांड में चल रही होगी, और जो अपने बजट को सूट करेगी वो काम करवाएंगे हम अपनी बाइक पे। बाकी इतना पैसा तो है कि जीवन का फन लिया जा रहा है अभी तक, बाकी आप सपोर्ट कीजिए थोड़ा बहुत, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, 2-4 रुपया यूट्यूब से भी कमवा लें। तो भाई मजाक वजाक सब अपनी तरफ है, भगवान की दुआ से यादवों का काम इस समय बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी हमारे सारे भाई बढ़िया काम आ रहे हैं, सारी सब तरीके से संपन्न है आज के समय में। अब ये आप साइलेंसर देखिए, बताइए कमेंट में कि लुक कैसा लग रहा है, क्रोफोबिक साइलेंसर को बीट कर रहा है नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से कर रहा होगा। बाकी आप कमेंट में अपनी राय दीजिए कि बाइक का लुक कैसा आ रहा है, एकदम शाइनी शाइनी कैसा हुआ, अब इसे धुलवाएंगे यहां से जाने के बाद। अब भाइयों मेरा थोड़ा स्टिकरिंग का काम शुरू होने वाला है, मैं थोड़ा सा पहाड़ वाला डिजाइन से एडवेंचर लिखवाने के मूड में हूँ, ये मैंने डिजाइन करवाया। बाकी इधर देखो एक अलग ही ब्रांड लिखा हुआ है जाट, हमारे जाट भाइयों के टोरा ही अलग है। बाकी भाई मेरी ही ये सामान की कटिंग चल रही है, ये पहाड़ वाला डिजाइन मैंने ही सोच के बनवाया कि चलो ये थोड़ा सा एडवेंचर लुक देते हैं इसको, एडवेंचर वाला सिस्टम लगाते हैं इस पे। और मैं उसी के नीचे ये मैं अपना टैंक पैड पे लगाने के लिए सोच रहा हूँ, और दूसरा वो टैंक पैड पे जहाँ पे मेरे डिस्प्ले है उसके नीचे मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल और यूट्यूब हैंडल दोनों वहीं देने की प्लान है मेरा। देखते रहिए वीडियो में कैसे कैसे हो रहा है। भैया चले हम बाहर चिपकाने। तो भाई मेरठ में वैसे इतनी मॉडिफिकेशन की शॉप है नहीं, पर जितनी भी हैं ठीक काम करती हैं, बढ़िया काम करती हैं। बाकी अगर किसी भाई को हैवी मॉडिफिकेशन कराना है तो मेरठ में इतनी बड़ी कोई शॉप है नहीं जो मॉडिफाई इतना हाई लेवल पे करते हो, फिर उसके लिए तो आपको दिल्ली वगैरह ही देखना पड़ेगा। तो भाई मेरा भी आगे प्लान है अपनी बाइक को फुल रैप करवाने का, तो वो भी मैं जब नेक्स्ट टाइम जब मेरा मूड होगा तो उसका व्लॉग मैं दिल्ली से ही शूट करूंगा, और दिल्ली में ही जाकर उसका सारा मॉडिफिकेशन का काम करवाऊंगा। इस पर अभी जो बेसिक नीड है, जो भी मोटरसाइकिल भी नहीं है तो भी छोटा मोटा ही है, थोड़ा बहुत ही काम कराया है। ये तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम और यूट्यूब हैंडल यहाँ पे अब लगने जा रहा है, तो भाई देख लो, जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है जेडपेड सब्सक्राइब और फॉलो कर लो, आने वाले समय में ट्रेवलिंग हिस्टोरिकल हर तरह का कंटेंट तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेके आएगा। अब इस लूना को लेकर भाई साहब घूमने फिरने के लिए करना है अगले साल से, अब दिसंबर दिसंबर जाटे जाटे और घर पे काट लें, फिर अपने घूमने लिए करते हैं।
और तुम्हें भी घुमा के लाते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। तो भाई वीडियो को जल्द से जल्द लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं आप।